हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पर्सपेक्टिव एक ऐसी टर्म है जिसको समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बिगनर्स को। क्या चीज़ है ये, समझते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए दोस्तों हमें तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। मैं भी आपके सामने यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट, जिसको हम VP भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है होरिजन और तीसरा पॉइंट है आई लेवल। तो इन तीनों के बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी ड्राइंग को बनाएं तो ये चीज़ हमें ध्यान रहे। सो देखिए दोस्तों, पर्सपेक्टिव बेसिकली हम इस सीन के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, यानी कि आप स्काई और प्लस पानी के बीच में एक डिफरेंट लाइन देख सकते हैं होरिजन, वो हमारा होरिजन होता है कि जहाँ तक हम देख पाते हैं। ये ब्रिज जहाँ से हम देख रहे हैं सेंटर में खड़े होके, वो हमारा आई लेवल होता है दोस्तों। और प्लस ये जो ब्रिज की आउटर लाइंस बनी हुई है जिसके थ्रू ये आगे जाता हुआ नैरो फील हो रही है, ये हमारी वैनिशिंग पॉइंट की लाइंस होती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें समझना है कि पर्सपेक्टिव कैसे बनता है। कि देखिए, आपके सामने मैं यहाँ बना करके भी दिखा रहा हूँ कि डिस्टेंस के साथ साथ, यानी कि वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू जाते जाते हर चीज़ में कमी आनी शुरू हो जाती है। कलर पास ब्राइट है तो फिर धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव की, कि पर्सपेक्टिव के कितने टाइप्स हैं। तो दोस्तों तीन तरीके के टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसके बाद हमारे पास होता है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, और लास्ट है हमारा थ्री पॉइंट और मल्टी पर्सपेक्टिव भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे आर्किटेक्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा पर्सपेक्टिव को जो है यूज़ करते हैं, थ्री से भी ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं, ड्राफ्टर वगैरह उनके पास होते हैं। लेकिन हम फाइन आर्ट के टर्म्स में देखेंगे कि वन टू और थ्री तक हमारे पास लेवल होता है। तो भैया समझते हैं कि देखिए वैनिशिंग पॉइंट होरिजन के क्या होने से क्या फ़र्क पड़ता है। होरिजन के ऊपर आपका वैनिशिंग पॉइंट कहीं भी वेरिएट कर सकता है, वीपी कहीं भी हो सकता है लाइन के ऊपर। अब कितने तरीके के सीन होते हैं पर्सपेक्टिव में, इंडोर एंड आउटडोर, दो ही तरीके के सीन होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि किस तरीके से आपको सीन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी पर्सपेक्टिव व्यू को बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो अपनी शीट ले रहे हैं, सबसे पहले अपनी शीट को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली हाफ आप डिवाइड कर लीजिए। ये सबसे सिंपल मेथड है किसी भी ड्राइंग को बनाने का। पर्सपेक्टिव में सिंपल ड्राइंग से ही आप शुरू करें। जितना सिंपल ड्राइंग से दोस्तों आप शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको समझना कि आप किस तरीके से अपने सीन को बना सकते हैं। तो हम यहाँ दिखाएंगे एक रोड और एक फुटपाथ, बहुत ईजी तरीके से हम दोस्तों उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये लाइंस बहुत ज़रूरी हैं। कि देखिए, वैनिशिंग पॉइंट का मतलब ही ये है कि आपकी सारी लाइंस वहाँ जाके वैनिश हो रही हैं, यानी कि आपको जो भी सीन बनाना है, चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रीट है, या फिर आपको कोई भी ज़्यादा आउटडोर रेलवे ट्रैक बनाने हैं, तो फिर आपको ज़रूरी है कि सारी लाइंस आपके एक पॉइंट पर जाके मिले। अब हमारे रोड की स्ट्राइप्स बनाने के लिए बीच में देखिए, मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दो लाइन को डिवाइड किया। आउटर लाइंस मेरी यहाँ से आई रही है वैनिशिंग पॉइंट से, तो मुझे सिर्फ जो रोल प्ले करना है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को सही तरीके से बनाना है दोस्तों। यह बात आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को सही से बनाते हुए चले, वरना आपका सीन गड़बड़ हो सकता है। अगर आप परपेंडिकुलर रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। साइड लाइंस तो आपको वैनिशिंग पॉइंट दे रहा है, लेकिन वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू जो आपकी बाकी लाइंस बननी है वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप जब भी सीन बनाएं तो आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल गलत ना हो, वो एकदम सही तरीके से चले। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ता है होरिजन के ऊपर और नीचे होने से, वो भी हम समझते हैं कि होरिजन ऊपर होता है तो क्या होता है, होरिजन नीचे होता है तो क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस पिक में, कि हमने जो शेप कटा हुआ है वो नीचे से कैसा है, ऊपर से कैसा है और हमारे सामने से कैसा है। वैसे दोस्तों हमारे आई लेवल पे कोई चीज़ होती है, हमारे आई लेवल से ऊपर होती है, अबव होती है, बिलो होती है, तो उस पर देखने पर फ़र्क पड़ता है ऑफकोर्स चीज़ों का। तो वही चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों, कि ये जो रोड का सीन है, ये रोड का सीन अगर हम मान लीजिए बिलो आई लेवल देखते हैं और अबव आई लेवल देखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए आई लेवल का मतलब क्या है दोस्तों, कि होरिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई लेवल से, कि अगर आई लेवल चेंज हो रहा है तो होरिजन भी चेंज होगा। अभी देखिए ये जो सीन हमारे सामने बन चुका है, ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम आई लेवल हमारा काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया। सपोज़ कि आप अपने किसी डॉग के साथ घूम रहे हैं, तो आपके जो डॉग का आई लेवल होगा वो बिलो होगा आपसे, और मान लीजिए आपके ऊपर कोई चिड़िया उड़ रही है, बर्ड उड़ रही है। तो ये देखिए अभी ये जो सीन बन रहा है, ये एक तरीके से बर्ड आई व्यू हम इसको कह सकते हैं, या फिर अबोव आई लेवल हम कह सकते हैं। कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई लेवल होता है दोस्तों, वो जो हमने फर्स्ट वाला ये बनाया है होरिजन, जिसमें हमने सेंटर में लिया हुआ है, लगभग हमारा वो होता है, या फिर सेंटर से हल्का सा ऊपर होता है। अब ये देखिए इस सीन को देख के आप देख सकते हैं कि अब ये सीन हमें काफ़ी ज़्यादा और आगे तक दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हमारी हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि होरिजन के ऊपर और नीचे होने से एक्चुअल में आपके आई लेवल पे फ़र्क क्या पड़ता है।
तो रीज़न मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्टली इक्वल है आपका आई लेवल के, यानी कि अगर आई लेवल होरिजन ऊपर जाएगा तो आई लेवल भी ऊपर, होरिजन नीचे तो आई लेवल नीचे, या कर लीजिए उल्टा भी कर लीजिए, आई लेवल के चेंज होने से होरिजन पे फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इस बारे में कि अभी तो हमने होरिजन ऊपर नीचे किया, अब हम वैनिशिंग पॉइंट को लेफ्ट और राइट करते हैं। कि ये देखिए, होरिजन को लेफ्ट और राइट करने से फ़र्क क्या पड़ेगा दोस्तों, कि अब जो सीन आपको रोड का सेंटर में भी नज़र आ रहा है, अगर सपोज़ कि आप उस रोड को साइड से देख रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड का वैनिशिंग पॉइंट यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए कि जो भी लाइन्स है, अब हम उन लाइनों को साइड लाइंस के तरीके से यूज़ करेंगे, और सपोज़ आप इसमें से किसी एक फुटपाथ के ऊपर खड़े होकर दूसरे को देख रहे हैं तो दूसरे का अब आपको कितना पार्ट नज़र आएगा और पहले का क्या आएगा वो अब आपको देखिए कि इस तरीके से अब आप दूसरे वाले जो आपको सामने वाला फुटपाथ है उसकी लाइंस स्ट्राइप्स इस तरीके से नज़र आएंगी और पहले वाले की नहीं आएंगी, और फोर्स क्योंकि आप वहाँ पर खड़े हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपने चेंज करना है वैनिशिंग पॉइंट, अब हम लेफ्ट की बजाय राइट में यूज़ कर लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए पर्सपेक्टिव को समझने के लिए दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस आई लेवल से देख रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ देख रहे हैं, राइट की तरफ देख रहे हैं, या आपका जो मेन मोटो है, जो ड्राइंग है, वो आपके बिल्कुल सामने ही है, सेंटर में है, तो तब जाके आपको आइडिया लगता है कि हमें किस पर्सपेक्टिव को यूज़ करना चाहिए अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए। अब ये देखिए, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ किया था वही टेक्निक्स हम राइट साइड के लिए भी यूज़ करेंगे, सेम प्रोसीजर है दोस्तों। ये देखिए, पहले हमें उस साइड का फुटपाथ की लाइन नज़र आ रही थी, अब हमें ये वाली नज़र आएंगी। यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों कि पैरेलल लाइंस आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करती हैं, कि अगर आपकी लाइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट और परपेंडिकुलर रूल को फॉलो करनी चाहिए। अब लाइंस यहाँ कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। इन लाइनों की आप जितनी ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे रफली भी अपनी शीट्स पे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा डेली लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं कि आज से अपने पर्सपेक्टिव को टॉपिक को शुरू करना है तो आज से ही दोस्तों आप अपनी ड्राइंग्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। किस तरीके से करना है हम समझ लेते हैं कि खाली शीट के ऊपर आपको इस तरीके से फ्री हैंडली लाइंस बनानी है। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कुछ इस तरीके से आपकी भाई लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं ज़्यादा, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप रेगुलर बेस पे इस प्रैक्टिस को जारी रखिए। पहले गैप ज़्यादा रखिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने गैप को कम करना शुरू कर दीजिए। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी लाइंस को और ज़्यादा स्ट्रेट करने में, और प्लस अपनी पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस को मेंटेन करने के लिए आप इसमें इस तरीके से देखिए वैनिशिंग पॉइंट की लाइनों के तरीके से अपनी डायगोनल लाइंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि आप अपने सीन को भी इसमें जो है ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्लस आपकी लाइंस साइड बाई साइड इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसी शीट्स आप डेली कम से कम 8 से 10 शीट अपनी डेली रेडी करें और कोई ना कोई सीन डेली बना करके उसमें देखें, और सबसे सिंपल सीन से ही आप शुरू करें दोस्तों। ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले लेवल अपने ना बढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट से शुरू करेंगे तो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप सिंपल लाइंस की प्रैक्टिस ही करते हुए चलें इस तरीके से। आप देखिए इस चीज़ में आपकी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल सारी लाइनें यूज़ हो चुकी हैं। आई होप दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।